खेसारी ने आम्रपाली को क्या चुना? काजल राघवानी के तो रातों की नींद उड़ गई। वैसे आपको बता दें कि खेसारी और काजल राघवानी की दुश्मनी इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी थी और विवाद दर विवाद ऐसे हो रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कि आए दिन नया विवाद सुनने को मिलता है। अभी काजल राघवानी और खेसारी का विवाद थमा ही नहीं था कि प्रदीप पांडे चिंटू का विवाद और खेसारी का विवाद सामने आ गया। खैर, हम उन सब पे नहीं जाएंगे, जाएंगे इस बात पर कि काजल राघवानी के हाथों से एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म छूट गई। फिल्म का नाम था आशिकी और इस फिल्म पर न जाने कितने दिनों से निगाह थी खेसारी के फैंस की कि इस फिल्म में काजल और खेसारी साथ नजर आएंगे। लेकिन काजल और खेसारी की जोड़ी को ब्रेक लगाते हुए यहाँ डायरेक्टर पराग पाटिल ने आम्रपाली दुबे को चुना। वैसे आपको बता दें, आम्रपाली दुबे पराग पाटिल की पहली पसंद बिल्कुल नहीं है। उनकी पहली पसंद काजल राघवानी ही थी इस फिल्म के लिए, क्योंकि काजल और खेसारी को वो भोजपुरी का एक आइडियल कपल मानते हैं ऑन स्क्रीन। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों इन दोनों ने एक दूसरे पे काफ़ी छींटा कसी, लेकिन अब खेसारी के फैंस ने काजल राघवानी के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के कई लोगों के नाक में दम कर दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि काजल राघवानी के अलावा बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो कि ट्रोलिंग का शिकार हुए, और उन्हीं में से थे राजकुमार पांडे और प्रदीप पांडे चिंटू। लेकिन वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा फायदा, तो यहाँ फायदा हुआ है आम्रपाली दुबे का। जी हाँ, आम्रपाली दुबे को बैक टू बैक खेसारी लाल यादव के साथ दो फिल्में मिली हैं, एक शादी हो तो ऐसी और दूसरी आशिकी। जी हाँ, अगर जैसे ही ये फिल्में बनकर तैयार होंगी तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्टारडम होगा इन फिल्मों का। वैसे आपको यहाँ ये भी बता दें कि आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी भी कुछ खास फ्रेंड नहीं हैं। इन दोनों में भी कभी कुछ खास नहीं बनी, लेकिन ये दोनों कभी एक दूसरे की जानी दुश्मन भी नहीं रहे। बट अब ऐसे में आम्रपाली दुबे को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है खेसारी के खेमे से। खेसारी के साथ ये उनकी दूसरी फिल्म है और भी लोगों के साथ वो नया एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। ये बात और है कि निरहुआ के साथ उनके रिलेशन आज भी वैसे ही बदस्तूर जारी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।